أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها واللعنة على مستحقها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء پروردگار مجھے اپنی طرف سے پاک و پاکیزہ نسل عطا فرما یقیناً तू दुआ को कबूल करने वाला है, दुआ का सुनने वाला है। ये जो दुआ है मारूफ है, मशहूर है कि ये दुआ जनाब ज़करिया की दुआ है कि जनाब ज़करिया ने औलाद की तलब के लिए, नस्ल की तलब के लिए परवरदिगार आलम की बारगाह में ये दुआ की थी कि रब्बी हबली मिल लदुन का ज़ुर्रियतन तैयबा, कि परवरदिगार तू अपनी तरफ से मुझे ज़ुर्रियत सालिहा, ज़ुर्रियत तैयबा अता फ़रमा। आप देखिए कि अगर इस आय करीमा की तफसीर को उठा कर देखा जाए तो आपको ये बात जो है वो इस आय करीमा की तफसीर में मिल जाएगी कि जनाब ज़करिया 118 साल के हो गए थे और उनके पास कोई औलाद नहीं थी, और जनाब ज़करिया की जो जौजा थी, उनकी जौजा की एक बहन थी, वो दोनों ही बे औलाद थी, दोनों ही को कोई औलाद नहीं थी। मगर काफ़ी अरसे बाद, काफ़ी ज़माने बाद जनाब ज़करिया के जौजा की बहन के यहाँ परवरदिगार आलम ने जनाब मरियम की शक्ल में औलाद अता की। अब जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा की परवरिश और उनकी देखभाल की ज़िम्मेदारी जनाब ज़करिया ने संभाली, और जनाब ज़करिया जनाब मरियम की जब परवरिश कर रहे थे और उनकी देखभाल कर रहे थे तो उनकी ज़ेर तरबियत जनाब मरियम से अजीब अजीब तरह के कमालात और फ़ज़ाइल जो है वो जनाब ज़करिया जनाब मरियम में पा रहे थे। जैसा कि कुरान मजीद ने इस बात को नकल भी किया कि जब भी जनाब ज़करिया मेहराब इबादत जनाब मरियम में दाखिल होते थे तो ऐसे ऐसे फल उनके पास पाया करते थे कि जो मौसमी फल नहीं हुआ करते थे। और ये एक बहुत यानी ताज्जुब की बात है कि इंसान उस ख़ास तौर से उस ज़माने में, आज का ज़माना बहरहाल आज ये चीज़ मुमकिन है, लेकिन उस ज़माने में जब किसी फल का मौसम ना हो और उस ज़माने में तरह तरह के नेमात जो है वो और तरह तरह के फल जो है वो जनाब ज़करिया ने जनाब मरियम के पास पाए, तो सब कुरान की आयत करीमा है कि जनाब ज़करिया ने सवाल कर लिया कि या मरियम अन्ना लके हाजा, मरियम ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो जनाब मरियम ने जवाब दिया था हाजा मिन इंदिल्लाह, कि ये अल्लाह की तरफ से है। तो बहरहाल जब जनाब ज़करिया ने ये मुशाहिदा किया कि इस तरह के कमालात जो बेमौसम फल हैं वो जनाब मरियम के पास मौजूद हैं, तो परवरदिगार आलम की अता के ऊपर बहरहाल यकीन तो था, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान की दिली ख्वाहिश जो है वो दिल में रहती है, मगर जब कोई बहाना मिलता है तो वो ख्वाहिश जो है वो शिद्दत पा लेती है। जब जनाब ज़करिया ने जनाब मरियम के पास देखा कि बेमौसमी फल परवरदिगार आलम ने उन्हें अता किया है, तो जनाब ज़करिया को इस बात का यकीन हुआ और जनाब ज़करिया के ज़ुबान पर यह बात जारी हो गई कि जो परवरदिगार, जो अल्लाह जनाब मरियम को बेमौसम फल अता कर सकता है, अगर वो मुझे इतने दिनों बाद मुझे अगर अता करना चाहे औलाद तो क्यों कर अता नहीं कर सकता। चुनांचा जनाब ज़करिया के दिल में औलाद की ख्वाहिश हुई और जनाब मरियम के फ़ज़ाइल व कमालात को देखते हुए परवरदिगार आलम की बारगाह में जनाब ज़करिया ने ये दुआ बुलंद की, रब्बी हबली मिल लदुन का ज़ुर्रियतन तैयबा, के परवरदिगार अपनी तरफ से। देखें नबी का कलाम है, अगर इंसान इस पर जो है गौर करे कि परवरदिगार आलम क्या कहा कि परवरदिगार अपनी तरफ से मुझे ज़ुर्रियत सालिहा अता फरमा, कि बेशक तू दुआओं का सुनने वाला है। आप देखिए कि जब जनाब ज़करिया ने यह दुआ की तो रिवायत है कि जनाब ज़करिया की दुआ बहुत जल्द कबूल हुई और फरिश्ते ने आकर जो उनको बशारत दी कि ऐ ज़करिया, बशारत हुई इस बात की कि अल्लाह ने आपकी दुआओं को कबूल कर लिया है। चुनांचा जनाब ज़करिया ने जब ये सुना तो बहुत मसरूर हुए, खुश हुए और पलट कर परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ की, फरिश्ते से अर्ज़ की कि ये बताएं कि मेरी दुआ कबूल हुई है, अगर इस बात की कोई निशानी मुझे मिल जाती, अलामत हो जाती तो बहुत अच्छा होता। चुनांचा जनाब ज़करिया को परवरदिगार आलम ने वही की कि ऐ ज़करिया, तुम्हारी दुआओं की कबूलियत की अलामत यह है कि तुम 3 दिन तक, बावजूद इसके कि तुम कलाम करने पर कादिर हो, ज़बान रखते हो,
बावजूद इसके कि तुम जिक्र परवरदगार में मुबतला रहोगे, जिक्र परवरदगार हमेशा करते रहोगे, लेकिन याद रखना कि 3 दिन तक तुम खल्क खुदा से कभी कलाम ना करना, किसी गैर से बात ना करना। चुनांचा जनाब ज़करिया ने ऐसा किया भी कि 3 दिन तक कलाम के ऊपर, गुफ्तगू के ऊपर कादिर होते हुए, बोलने पर कादिर थे, लेकिन इसके बावजूद भी जनाब ज़करिया ने लोगों से कलाम नहीं किया और फ़कत जो है वो 3 दिन ज़िक्र परवरदगार आलम में मसरूफ़ रहे। और इस तरीके से परवरदगार ने उनकी दुआ को कबूल की और जनाब यहिया की शक्ल में, कि जिनकी ख़ुद तारीफ सैदों व हसूरा कह के कुरान मजीद ने की, ऐसे नरीना औलाद से, ऐसे नरीना फर्जन से जनाब ज़करिया शरफ़याब हुए। आप देखिए, अगर इस जनाब ज़करिया के इस वाक़े में अगर इंसान गौर करे तो एक बात जो हमारे लिए काबिल दर्स है, काबिल समझ है, वो ये कि इंसान परवरदगार आलम की बारगाह में उस वक्त इंसान की दुआ कबूल होती है कि जब वो अपने आप को फ़ना फिल्ला कर देता है, जब वो अपने आप को खुदाबंदे आलम के हवाले कर देता है। आप देखिए, जनाब ज़करिया कलाम के ऊपर, कुदरत के ऊपर कादिर थे, कलाम कर सकते थे, बात कर सकते थे, गुफ्तगू कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी जनाब ज़करिया ने कलाम नहीं किया, गुफ्तगू नहीं की और हुक्म परवरदगार के मुताबिक खामोश रहे। चुनांचे हमारा भी यही अमल होना चाहिए कि वो तलब कि जो परवरदगार ने हमसे की है, यानी वो चाहते हैं जो परवरदगार हमसे चाहता है, हमें चाहिए कि हम दिलो जान से उस पर अमल पैरा हों। जब ही हमें इस बात का हक़ है कि हम दुआ करें तो हमारी दुआ भी जो है वो कबूल हो जाए, कभी रद्द ना हो। अब देखें कि 118 साल की उम्र में परवरदगार ने जनाब ज़करिया को फ़र्जंद अता फ़रमाया। इसी वाक़े से एक बात, एक दर्स उन्हें, उन लोगों के लिए भी है कि जो हर चीज़ में नेचर को ही जो है वो अहम समझते हैं और समझते हैं कि तबीयत के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है। यकीनन नेचर और तबीयत का दखल है, मगर इसके बावजूद अगर परवरदगार आलम अपने लुत्फ़ ख़ास से किसी को कुछ अता करना चाहे तो परवरदगार आलम उसे ज़रूर अता कर सकता है। क्यों? इसलिए कि वो क़ादिर मुतलक है। तो चुनांचा हमें इस बात पर भी ईमान रखना चाहिए कि परवरदगार आलम अगर किसी को चाहे तो मावरा तबीयत, मावरा नेचर भी कुछ चीज़ें अता कर सकता है, और इस बात पर ही यकीन रखना, यही हकीकी जो है वो ईमान तौहीद है और ईमान कुदरत परवरदगार है। आप देखिए कि इस आय करीमा में जो हमारे लिए दर्स है वो ये है कि इस आय करीमा में औलाद के हवाले से जो है वो गुफ्तगू आई हुई है। चुनांचे बहुत से लोग जो बे औलाद हैं उनके लिए तो बहरहाल सबसे पहले यही दुआ है कि परवरदगार आलम उनकी खाली गोद को जितना जल्द हो सके पुर फरमाए और उन्हें नेक और साले जो है औलाद अता फरमाए। आप देखें, इस आय करीमा में जो एक अहम पैगाम है वो ये कि इस आय करीमा की अगर इंसान तिलावत करता है मुसलसल तो बहुत हद तक इस बात का इम्कान पाया जाता है कि परवरदगार आलम ऐसे लोगों के कि जो बे औलाद हैं, परवरदगार आलम उन्हें औलाद अता फरमाए। चुनांचा अगर इस आय करीमा की तफसीर को आप बयान मुलाहजा फरमाएँ तो इसमें दो अमल, दो तरीक़ा मिलता है उन लोगों के लिए कि जो बे औलाद हैं और परवरदगार आलम से औलाद तलब करना चाहते हैं। चूँकि जनाब ज़करिया भी ने भी जब दुआ की तो बे औलाद थे, लेकिन परवरदगार अपने फ़ज़ल से उन्हें साहिब औलाद फरमाया। तो चुनांचा किताब तफसीर मजमूल बयान में ये रिवायत मजकूर है कि हर्ष बिन मुग़ैरा नामी एक शख्स ये छठे इमाम की खिदमत में आता है और आने के बाद अर्ज़ करता है कि मौला, मैं ऐसे ख़ानदान से हूँ कि जिस ख़ानदान के जितने मर्द हैं वो इस दुनिया से जा चुके हैं, यानी मेरा ख़ानदान ख़त्म होने के कगार पर है और मेरी भी कोई औलाद नहीं है। तो मौला, मुझे ये लगता है कि हमारा ख़ानदान जो ख़त्म हो जाएगा, नीस्त नाबूद हो जाएगा और हमारा कोई ज़िक्र करने वाला बाकी नहीं रहेगा। तो मौला, अगर हो सके तो कोई ऐसी दुआ बताइए कि जिसके ज़रिए से परवरदगार आलम हमारे ख़ानदान में इस्तेमरार बख्शे और हम भी जो है वो साहिब औलाद हो जाएँ। तो जो लोग ये औलाद की दुआ करना चाहते हैं और चाहते हैं कि परवरदगार उन्हें साहिब औलाद करे तो इमाम सादिक का ये बताया हुआ नुस्खा जो है वो अपनाएं। चुनांचा हर्ष बिन मुग़ैरा ने जब ये अर्ज़ की कि यबन रसूलिल्लाह, मेरी नस्ल ख़त्म होने वाली है, आप कोई दुआ बताइए, तो इमाम ने क्या फरमाया था? इमाम ने फरमाया था कि तुम्हें चाहिए कि तुम हर नमाज के बाद सजदे में जाओ और सजदे में की हालत में ये दुआ पढ़ा करो। कौन सी? वही आयत करीमा जो सरनामे सुखन करार दी। क्या? रब्बी हबली मिल लदुन का ज़ुर्रियतन तैयबा इन्नका समीउद दुआ। परवरदिगार, तू अपनी तरफ से मुझे नेक और पाक व पाकीज़ा ज़ुर्रियत अदा फरमा, यकीनन तू दुआओं का सुनने वाला है। ये और उसके बाद रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे अकेला ना छोड़ना कि तू बेहतरीन वारिस है, वारिसों में सबसे बेहतरीन वारिस परवरदिगार तेरी ज़ात है। तो ये वो दुआ है कि जो जनाब ज़करिया की दुआ है। अगर इंसान चाहता है कि साहिब औलाद हो तो उसे चाहिए कि हालत सजदा में, नमाज के बाद हालत सजदा में ये दुआ पढ़े। क्या है दुआ? रब्बी हबली मिल लदुन का ज़ुर्रियतन तैयबा इन्नका समीउद दुआ, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन। ये एक अमल। दूसरा अमल, अगर कोई औलाद की तलब रखता है तो इसके लिए भी ये रिवायत जो है वो मोहम्मद इब्न मुस्लिम से है। इसमें बयान फरमाते हैं कि जो शख्स
ये चाहता है कि वो साहिबे औलाद हो, उसे चाहिए कि वो जुमे के दिन 2 रकत नमाज़ पढ़े। नमाज का तरीका वही है कि जो जिस तरीके से नमाज सुबह पढ़ते हैं, बस 2 रकत नमाज सुबह 2 रकत नमाज जो है वो पढ़े जुमे के दिन, जुमे की नमाज़ के बाद, और इस तरीके से वो नमाज़ पढ़े कि रुकू और सजदा जो है वो तुलानी करे। यानी एक होता है एक बस सुबहान रबी अज़ीम व बिहम्दे और सुबहान रबी अला व बिहम्दे इंसान कह के उठ जाता है, नहीं बल्कि कह रहे कि इस नमाज़ की खासियत यह है कि इस नमाज़ में नमाज की तरह का तरीक़ा वही सुबह की नमाज़ की तरह है, मगर इसमें रुकू और सजदा है जो ज़रा तुलानी करना है। उसके बाद फरमाते हैं कि जब ये नमाज ख़त्म हो जाए तो उसे चाहिए कि नमाज के ख़त्म होने के बाद परवरदिगार आलम की बारगाह में ये दुआ करे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिमा सअलका बिही ज़करिया, या रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, अल्लाहुम्मा हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउ दुआ। यहाँ तक कि तकरीबन दुआ का वही तरीक़ा है कि जो इससे पहले ज़िक्र किया गया है दो पहली वाली रिवायत में। उसके बाद थोड़ा सा एक जुमला आगे ये बढ़ाना है इस वाले जो जुमे के दिन पढ़नी है, वो ये अल्लाहुम्मा बिस्मिका इस्तहललतुहा व फ़ी अमानतिका अखज़्तुहा فَإِنْ قَضَيْتَ فِي رَحْمِهَا وَلَدًا فَاجْعَلْهُ غُلَامًا زَكِيًّا وَلَا تَجْعَلْهُ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَصِيبًا وَلَا شَرِيكًا۔ انشاءاللہ کے ڈسکرپشن میں یہ دعا جو ہے وہ ڈال دی جائے گی، آپ حضرت وہاں سے اس کو جو ہے وہ ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ تو بہرحال آج کی اس آیہ کریمہ کا پیغام یہی ہے کہ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خداوند عالم کے عطا کے اوپر، اس کے قادر ہونے کے اوپر جو یقین کامل رکھے، اور اس کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ تاریخ میں پروردگار عالم نے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو بے اولاد تھے، اللہ نے ان کو جو اپنے فضل سے اولاد عطا فرمائی۔ اگر انسان اس عمل کو کرے تو انشاءاللہ، چونکہ زبان معصوم سے یہ نکلے ہوئے جملات ہیں، یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے، یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، اگر انسان اس پر عمل پیرا ہو تو یقیناً پروردگار عالم اس کی خالی گود کو جلد از جلد پر فرمائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔